गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शैली शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। देखिए, हरित क्रांति जो है वो हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले खाद्यान्नों की आपूर्ति पूरी नहीं थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हरित क्रांति से रहेगा। हरित क्रांति का विशेष जो लाभ हुआ था वो हुआ था गेहूं के उत्पादन में और चावल के में, लेकिन दोनों में से भी ज़्यादा उत्पादकता जो बढ़ी थी वो बढ़ी थी गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति क्या है, देखिए इसको हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम HIVP के नाम से भी जाना जाता है। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, जिन्हें अपन संकर बीज बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक व नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम भी कहते हैं। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो भारत में तो शुरुआत इसकी की थी एम एस स्वामीनाथन ने, लेकिन विश्व स्तर पर जो शुरुआत की थी वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सॉरी, भारत में शुरुआत की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1966 और 67 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर, इसके अलावा कुछ बिहार के भी क्षेत्र थे, मतलब जो जलोढ़ क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को मुख्य रूप से इसमें से सेलेक्ट किया गया था जहाँ जलोढ़ मृदा थी। बाद में इसे व्यापक रूप में अपनाया गया था। इससे कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। संकर बीजों के कारण रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से उत्पादकता की मात्रा बढ़ने से हमारे यहाँ जो विदेशों से अनाज आयात किया जाता था उसकी डिमांड क्या हो गई, इसके आने से कम हो गई। इस शब्द की अगर बात करें, सबसे पहले जो इसका उपयोग किया गया था, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, अमेरिका के थे डॉक्टर विलियम गॉड ने, उन्होंने ये शब्द दिया था। लेकिन इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की बात करें, क्या करें, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत रॉकफेलर फाउंडेशन इनके तत्वाधान से बोने फसल वाली गेहूं की एक किस्म बनाई गई थी, मतलब पौधा ज़्यादा लंबा ना हो, बोना किस्म का होगा, जिसमें पारंपरिक किस्मों से अधिक उत्पादकता लेना था। मौसमी परिवर्तन में हो जाए तो भी हमें कम उत्पादकता जो प्राप्त होती थी उसको कैसे सुधार किया जाए और फसल जल्दी प्राप्त हो जाए, शीघ्र तैयार हो जाए, ये कार्यक्रम देखना। उर्वरकों के साथ अनुकूलन प्रतिक्रिया दर्शाती, मतलब ये चार मुख्य बिंदु थे जिनके आधार पर हरित क्रांति पर ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभावों के कारण ही इस कार्यक्रम के निदेशक, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में हरित क्रांति के जनक फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं MS स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की थी। हरित क्रांति के देखिए कुछ सकारात्मक प्रभाव रहे थे। गहन कृषि उत्पादन प्रणाली का विकास, गहन में क्या होता, पहले निर्वहन से गहन, निर्वहन में सिर्फ उत्पादकता अपने भोजन की प्राप्ति हेतु की जाती थी, थोड़ी बहुत मात्रा में बीजों के लिए रख लिए जाते थे। गहन में क्या होता था भाई, ज़्यादा उपयोग तो घरेलू कार्य में, इतना नहीं बचता था कि उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम बेच के अपनी आय का स्रोत बना लें, तो इसके माध्यम से उत्पादकता बढ़ गई और लोग बागों ने अपनी पूर्ति के अलावा उसको बेचने में काम लिया, तो उनकी आर्थिक स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। खाद्यान्नों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि तथा खाद्यान्न क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। जीवन निर्वाह कृषि के स्वरूप से व्यापारिक तथा बाजारोन्मुखी कृषि का स्वरूप विकास हुआ। व्यापारिक मतलब जो बेचने के काम आ जाए। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। कृषि एवं उद्योग आपसी संबंधों में मजबूती, देखिए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा किसान तो अपने आप ही अपनी मजबूती बढ़ेगी। ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि हुई तथा प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में, देखिए ग्रामीण समृद्धि ज़्यादातर किसान गांव में ही हैं, खेती का कार्य गांव में होते हैं, हम सभी ग्रामीण परिवेश से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जब उनके पास जो अतिरिक्त उत्पादन होगा, अपनी रख लिया, अपने खेत के बीज के लिए रख लिया, तो अतिरिक्त जो बचा था वो बेचेंगे, बेचने से क्या होगा, पैसे मिलेंगे, तो वो क्या हो गई, प्रति व्यक्ति आय हो गई। अब प्रति व्यक्ति आय प्रत्येक की बढ़ेगी तो देश में रहते हैं तो देश की आय खुद ब खुद बढ़ जाएगी, तो इससे हमारे देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। तो एक तरीके से ये हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति रही, जिसने हमारे यहाँ खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बहुत उन्नत स्थिति में ला दिया।
तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति है। इसके तहत अनाज उगाने वाले प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत या संकर बीज हमें लेने थे, हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया गया था। मुख्य फसलों के रूप में गेहूं, चावल, मक्का इसमें शामिल की गई थी तथा गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया था, सिर्फ खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। इसके अलावा विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी से शुरू किया गया था। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य भी मिला और किसानों को दिए जाने वाला प्रोत्साहन मूल्य भी नई कृषि तकनीक से अपनाने में सक्षम हुआ। इसके अलावा वित्तीय सहायता भी दी गई थी, रोजगार के अवसर भी बढ़े। हरित क्रांति का सबसे अच्छा प्रभाव जो हुआ था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से लाखों संख्या में मजदूर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाने लग गए थे। अब इसमें कुछ प्रभाव भी पड़े थे, जैसे सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव। तो इसमें सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा वो सामाजिक। हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव हुए। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा ग्रामीण समाज का बाजारोन्मुख व गतिशील होना था। हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भांति मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन नहीं रह गई थी, बल्कि इससे लोग बागों को, ग्रामीणों को, किसानों को आय की प्राप्ति होने लगी थी। किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक और शैक्षिक स्तर का भी विकास हुआ। इसी में ग्रामीणों का संकेंद्रण की भी, भारत जो अपना क्षेत्र छोड़ के जाने लग गए थे, वो अपनी क्षेत्र की ओर लौटने लगे। पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था आ गई। इसके साथ लोगों की आय में वृद्धि होने से जो पुरानी पारंपरिक रूप से चली प्रथाएं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि भी समाप्त हो गई। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों की तरफ बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही है। कारण था तकनीकी और टेक्नोलॉजी, जब लाएंगे मशीन लाएंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए था जो कि उन लोगों के पास था। धनी निर्धन किसानों के बीच में भी कारक कई हो गए थे, असमानता बढ़ती चली, धनी और धनी हो गए। हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में भी बदलाव किए, नैतिक समस्याएं भी आईं। जैसे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे अच्छी जमीन थी, अच्छी पैदावार हुई, तो लोगों में नशे की लत, पैसा आया तो नशे पे उन्होंने ज़्यादा खर्च किया, तो ये क्षेत्र नशे के क्षेत्र से बर्बाद होने लगा। हरित क्रांति का महिलाओं के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पूर्व महिलाएं बाहर खेतों में काम करके घर के पुरुष सदस्यों का हाथ बटाया करती थी, लेकिन किसानों की आय बढ़ी, मशीनों के बढ़ते प्रयोग से महिलाओं का जाना कम हुआ। आर्थिक बात करें तो इससे देखिए, भारत में अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। 1968 में गेहूं का उत्पादन 100 हरित क्रांति के फलस्वरूप देखिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल पंप आदि का प्रयोग किया गया। तकनीकी के प्रयोग से इसमें कृषि स्तर में बढ़ावा हुआ। समय के साथ देखिए कम समय में अधिक मात्रा उपलब्ध हुई। कृषि के मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग होने वाली मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशी, रासायनिक उर्वरकों की मांगों में भी वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचना, परिवहन सुविधा, सड़कें, ट्यूबवेल, इनका भी प्रयोग हुआ। तो इन आर्थिक लाभ भी हुए थे और कुछ सामाजिक लाभ भी हरित क्रांति के फलस्वरूप। कुछ प्रभाव जो पड़े थे वो थे राजनीतिक प्रभाव।